वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मौवने खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एड्रस ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए और मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को सर्व करने के लिए यहाँ पर आई थी और इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए क्योंकि मेरे पास कनाडा की नेशनैलिटी है जो कि मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरे पैदा होने के बाद मुझे वहाँ पर मिली थी। अपने इस्तीफे में इन्हीं वजूहात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। दोहरी शरीयत पर सवाल उठाए जाने के बाद मेरा इस पोजीशन पर काम करना मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसकी वजह से मैंने इस ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पाकिस्तान आने के बाद तानिया एड्रस ने जब अपने असासे डिक्लेयर किए थे तो उस वक्त उनकी दोहरी शहरियत का मामला जेरे बहस आया था और मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा इस ओहदे पर काम करना मुनासिब नहीं है और काफी सारी रुकावटें भी डाली गई जिसकी वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं अब इस ओहदे पर मजीद काम करूँ। उन्होंने कहा कि जहाँ तक नेशनैलिटी की बात है तो नेशनैलिटी मुझे वहाँ पर पैदा होने की वजह से मिली जिसमें मेरी ख्वाहिश का कोई अमल दखल नहीं है। अलबत्त पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में खिदमत का जज्बा लेकर आई थी। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने पर मुझे फख्र है। तानिया एड्रस ने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भिजवा दिया है। अब देखना यह है कि इमरान खान इस इस्तीफे को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक बासलाहियत पाकिस्तानी जो कि किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी बाय बर्थ रखता हो, क्या उसको पाकिस्तान में सर्व करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।